वो क्या अगर छोरी भी बोल रहे तो एक वो होता है कि उन्होंने डायग्राम बनाया कि ये ऐसा होता है, पर वो क्या कि कभी अपन भूल जाते हैं उसको लिखना, तो वो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो वैसा हो जाता है। तो फिर उसमें क्या मतलब वो हो जाता है कि थोड़ा सा कि यार मेरा ही टेस्ट खराब है, तो फिर अलग मतलब उन चीजों को तो पढ़ लिया, हाँ उनको तो पढ़ लिया, अब उनमें से तो नहीं हुआ तो तुम बहुत ये पैनिक मत करो, कंपैरिजन मत करो, सब इंडिविजुअल है और सबकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, यू हैव टू इंप्रूव योर प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि डन ओनली व्हेन आफ्टर द फाइनल एग्जाम, टेस्ट आर जस्ट टू सिमुलेट सेल्फ इवैल्यूएशन, आपकी अपनी क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई, इनकी डिफरेंट प्रॉब्लम होगी, इनके डिफरेंट प्रॉब्लम होगी, बट आप अगर सामने किसी को नहीं रखेंगे तो आप इंप्रूव उसको देख के भी तो कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं एक चीज को, अपने डिफेंस फोर्सेस में देखिए ना, उनका ट्रेनिंग होता है, उनको पता नहीं ना कि पाकिस्तान से अभी वॉर होने वाला है, बट दे क्रिएट लाइक द थिंग्स, जैसे अर्थक्वेक होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी होती है ना, उसको सिमुलेट करती है कि वैसा सिचुएशन क्रिएट करके आपको वहां पर सिखाते हैं। सो टेस्ट आर टू सिमुलेट, जैसे ही आप इसको ना अपने परफॉर्मेंस का जो असेसमेंट आप कर रहे हैं ना कंपेरिजन वाला, वहां करने लगेंगे बच्चे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपके अपने सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं, इनके अपने सेट ऑफ पैरामीटर्स। सी सी इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यू आर फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी, सो देयर विल बी अ गैप, although in the same classroom you both are studying, तो अभी क्या करना है आपके, जो मैं बात समझ पा रहा हूँ, कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं हो पा रहा है, कि जैसे मान लो आपने थियरी पार्ट किया न्यूमेरिकल्स में आप नहीं कवर कर पा रहे हैं, सो देन क्या होता है, फिर आपको लगता है कि अगली बार में न्यूमेरिकल करना है, टीचर आस्क द थियरी पार्ट, सो वी हैव टू कॉम्प्रिहेंड दैट, ठीक है, कैसे करना है। जैसे अगले टेस्ट जब आपका होगा तो आज आप मिले, आपने ये चीज़ बताई, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप लेट से आपका ए चैप्टर का टेस्ट है, ए चैप्टर को पूरा ना करके 50% कीजिए, बट ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड कि किसी थ्योरी का मतलब क्या है, उसके बेस पर न्यूमेरिकल क्या है। अभी हमारा क्या होता है ना, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता। जैसे एक सब्जेक्ट को जैसे टेस्ट है तो उसको एक बार रिवाइज कर लिया, दो बार रिवाइज कर लिया, तो वो वैसा हो जाता है कि वो बिल्कुल आंसर भी उसका याद हो जाता है, वैसा आंसर बस याद करो टेस्ट के, ठीक है टेस्ट के एक बार कर लोगे तो हो जाएगा, बट तो वो वाला दिक्कत है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आंसर ना याद करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट याद है या नहीं। हाँ, तो मतलब अभी स्टार्टिंग में मैं वैसा करती थी, अभी मेरा जो है मैं ऐसे करती हूँ, जैसे एक बार कर लिया उसके बाद जब दूसरी बार मेमोराइज करती हूँ तो ओनली क्वेश्चंस पढ़ के कि हाँ इसका आंसर ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन देखो और स्टेप देखो कि आर यू एबल टू अप्लाई इट और नॉट। अगर आप वापस अगेन सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हो तो वो है कि आप स्टेप्स याद कर दो, स्टेप्स नहीं याद, एग्जाम में डिफरेंट याद होती है, हाँ तो इसलिए बस वो ही मेमोराइज, ये भी ये चल रहा है कि एक बार करते हो उसके बाद ओनली मेमोराइज करके टेस्ट करके फिर आप नए प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, नए क्वेश्चन देखना है प्रीवियस ईयर से करो, नेट जा रख हो गए जस्ट टीएफआर के कर लो। सर जो नेट के क्वेश्चन होते हैं वो सर बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि सर वो जस्ट कर गेट क्वेश्चन हो जाते हैं, नेट के नहीं सर, एक दिन में दो सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर आराम से सॉल्व कर देती हूँ मैं, वो हो जाते हैं, उसके अलावा कुछ और प्रीवियस ईयर हो तो वो अलग बात है। देखो अभी आपके पास नेट गेट जस्ट तैयार पर, तो अब इतने पे फोकस करो, इतना मोर देन सभी, इससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे, पर उसमें नेट और गेट ही होंगे, टीआईएफआर और जस्ट वगैरह नहीं है, वो वेबसाइट पे पेपर है आप वहां से ले लो। अभी हम लोग आज बैठने का ये भी एक पर्पस था, निशा सुबह कह रहे थे, मैंने शर्त को बताया था, ये तो होता क्या है, अभी अपना एक लेवल होना चाहिए, लेट्स से कि जस्ट का एग्जाम है, इसका एक लेवल है, जिस बच्चे से अभी जस्ट का लेवल नहीं पहुंचा है वो टीआईएफआर का क्वेश्चन देख के परेशान हो रहा है सर, ये आपका बताया ना कि आपका लेवल क्या है, अगर टेस्ट में आप 70-80 ले रहे हैं तो के लेवल पे आ गए, फिर और एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम है सर। In that one topic, they are not giving the complete percentage. So they are feeling disappointed after result in weekend. No, issue. You just try, you won't 100%, right? No, sir. Only one topic, we are not able to solve full percentage. Only just try to improve. That's why we are doing this. So that you can improve. So that you should focus on your notes. If you are leaving your home in the morning and you think, you know, just one step I'll be at the physics, is it possible? That is the part of your training. Okay. That weekly you should improve. Then at the end you will be comfortable. Okay? ठीक है, कुछ पास ठीक है, सो अभी दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस मेंटरिंग, इंडिविजुअल से मिलेंगे जिसके डेस्क में होगा, अब
अभी स्कैटर्ड नहीं होगा, जैसे आपका प्रॉब्लम आया कि नए प्रॉब्लम्स का, तो हम टीचर्स भी उसके लिए बैठते हैं, वी विल ट्राई इनकॉर्पोरेट में वो सिली मिस्टेक ना हो, ठीक है, एक गलती एक ही बार करो, बार बार नहीं करनी है, ये पता, ठीक है।